बेकार कार्डबोर्ड से ये सुंदर सा रेनबो ट्री बना सकते हैं बिल्कुल कम बजट में। मैं हूं नरेंद्र दिल्ली इंडिया से और आप देख रहे हैं मेरा चैनल क्राफ्ट पॉकेट। एक मजबूत कार्डबोर्ड लें और उसे गोल आकार में काट लें। कार्डबोर्ड मजबूत होना चाहिए। कार्डबोर्ड का साइज अपने कंफर्ट लेवल के हिसाब से रख सकते हैं। इस पूरे कार्डबोर्ड के एक तरफ ब्राउन टेप से कवर करें। ब्राउन टेप अगर ना हो तो वाइट टेप से भी कवर कर सकते हैं। ये कवर करना इसलिए ज़रूरी है कि इसमें हम क्ले लगाएंगे और ये कार्डबोर्ड मॉइस्चर ले लेगा, तो इसलिए इसे ब्राउन टेप से ढकना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, ये वॉल पुट्टी है, किसी भी हार्डवेयर की दुकान पे बहुत ही सस्ते में मिल जाता है। 3 या 4 चम्मच वॉल पुट्टी पाउडर ले, थोड़ा सा पानी मिलाकर एक गाढ़ा पेस्ट तैयार करें। इस पेस्ट को आप जिस तरफ ब्राउन टेप चिपकाया है वहाँ पे अप्लाई करें। पूरी क्राफ्ट पे इसे समान रूप से फैलाएं। मैंने छोटा वाला सेट स्क्वायर का इस्तेमाल किया है। आप चाहे तो प्लास्टिक का स्केल या फिर कोई स्कल्पचर्स का जो टूल होता है या फिर नाइफ, इन सब का इस्तेमाल करके इसे एक सार कर सकते हैं। इसे अच्छे तरीके से ड्राई होने दें। अब हम फिर से वॉल पुट्टी पाउडर लेंगे और केवल पानी मिलाकर हम डो बना लेंगे। डो बहुत ही सॉफ्ट बनेगा। डो बनाने का तरीका मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, उस लिंक पे आप क्लिक करके देख सकते हैं और सीख सकते हैं। इस डो से हम उंगली के मोटाई के बराबर क्वाइल बना लेंगे। ये डो इतना सॉफ्ट होता है और लचीला होता है कि कहीं से भी क्रैक नहीं होता। एक बढ़िया डो बनाने के लिए थोड़ा सा प्रैक्टिस जरूर करें। हमारा पहला लेयर ड्राई हो गया है, तो अब हम सेंटर में एक थाली रख देंगे ताकि हमारा जो बॉर्डर है वो बनाने में आसानी हो जाए। चारों तरफ ब्रश से पानी लगाएंगे और जो हमने क्वाइल बनाया था थाली के किनारे किनारे पेस्ट करते जाएंगे। हल्का हल्का दबाव देंगे तो ये आराम से पेस्ट हो जाएगा। केवल पानी से पेस्ट करना है। इस क्वाइल को चारों तरफ अप्लाई करें। थाली को निकालने के लिए ब्राउन टेप का इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि ब्राउन टेप थाली को ऊपर की तरफ खींच ले, या फिर किनारे की तरफ नाइफ से भी आप इसे उठा सकते हैं। जैसे ही हमारा क्वाइल थोड़ा सूख जाता है तो हम फिर से क्वाइल बना के बाहर की तरफ जो बॉर्डर है वो बना लेंगे और केवल नाइफ की सहायता से इसे हम एक्सार कर लेंगे, प्लेन कर लेंगे और पानी से इसे स्मूथ कर लेंगे। ये बहुत ही आसानी से स्मूथ हो जाएगा। हमारा क्राफ्ट अच्छी तरीके से ड्राई हो गया है। HB पेंसिल से हम मनपसंद ड्राइंग कर लेंगे ट्री का। क्राफ्ट के ऊपर हम ब्रश से पानी लगाएंगे और क्वाइल हम फिर से बनाएंगे। एक तरफ नुकीला होगा और इसी से हम ब्रांचेज वगैरह बनाते चले जाएंगे और केवल पानी से हम इसे चिपकाएंगे। हमें इसकी जो डिटेलिंग करनी है नाइफ की सहायता से करनी है, या आपके पास पिन हो या फिर स्कल्पचर्स के टूल हो। मैं तो टूटे हुए नेल कटर से करता हूँ। आप अपने कंफर्ट लेवल के हिसाब से जो भी आपके पास अवेलेबल है उसी से इसकी डिटेलिंग कर सकते हैं। जैसे ही आप ब्रांचेज को पेस्ट करते हैं उसी समय आपको लाइनिंग कर लेनी चाहिए ताकि ट्री का टेक्सचर बन जाए, और उसके साथ ही आपको केवल पानी की सहायता से ब्रश से फिनिशिंग कर लेनी चाहिए। ये बिल्कुल स्मूथ हो जाएगा। तो सारे क्राफ्ट को आपको इसी तरीके से तैयार करना है। जितने भी ब्रांचेज हैं, जितने भी आपने ड्राइंग करी है, उन सबको इसी हिसाब से तैयार करना है और सभी पे टेक्सचर बनाकर इसे कंप्लीट करना है। अगर बीच बीच में डो आपका हार्ड हो जाता है तो दोनों हाथों के बीच में डो रखें और इसे मैश करें। मैश करने से ये फिर से सॉफ्ट हो जाएगा और फिर इसे गीले कपड़े से ढक कर रखें। इसके साथ ही सारी डिटेल इसी तरीके से दिखाए गए विजुअल के हिसाब से कर लें। छोटे छोटे स्टोन्स बनाकर जड़ के पास यानी ट्री के रूट के पास चिपका लें और इसे बहुत ही अच्छे तरीके से ड्राई होने दें। जैसे ही हमारा ड्राई होता है इसे हम सॉफ्ट कपड़े में पलट लेंगे। ये लोहे का पतला तार है, इसे मोड़कर हम हैंगर बनाएंगे। दोस्तों, ये एमसील है, इसमें से 2 क्ले निकलते हैं। दोनों को मिलाकर एक ब्लैक कलर का
क्ले बन जाता है। तार के दोनों तरफ चिपकाकर कम से कम 4 घंटे के लिए इसे हम ड्राई होने देंगे। दोस्तों, ये मिल्क यानी दूध की थैली का पाउच है जिसे हम फेंक देते हैं। इसी से हम कोन बनाएंगे। पहला फोल्ड करें और एक सेलो टेप चिपका दें। फिर पूरी तरह अच्छी तरीके से कोन बनाएं और अंतिम सिरे पे सेलो टेप से चिपकाते हुए कोन बना लें। तो ये आपका बिल्कुल फिक्स हो जाएगा। तो आपका कोन तैयार है। दोस्तों, अब हम 1 चम्मच वॉल पुट्टी लेंगे, 1 चम्मच आरारोट लेंगे या कॉर्न फ्लोर, 1 चम्मच वाइट विनेगर लेंगे ताकि फंगस ना लगे, और ज़रूरत के हिसाब से कोई भी वाइट कलर का फेविकोल ले लें। इसे हम मिलाकर अच्छे से गाढ़ा पेस्ट तैयार करेंगे। इस पेस्ट को कोन के अंदर चम्मच से फिल कर लें। ऊपर का पोर्शन खाली रखें। कोन अगर 4 पार्ट करते हैं तो 1 पार्ट खाली रहना चाहिए। कोन को दोनों तरफ से फोल्ड करें और सेलो टेप लगाएं। फिर ऊपर से भी फोल्ड करते हुए सेलो टेप से इसे सील करें, अच्छी तरह पैक करें। तो ये आपका बिल्कुल लीकेज नहीं होगा और बहुत ही बढ़िया कोन तैयार हो जाएगा। इसे आप कैंची से काट कर इसके फ्लो को कंट्रोल कर सकते हैं। दोस्तों, अगर ये कभी रुक जाता है, इसका फ्लो रुक जाता है, तो इसके अंदर तार या फिर कोई सुई इंसर्ट करके इसके फ्लो को फिर से चालू कर सकते हैं। अब आपको पूरे ट्री के ऊपर छोटे छोटे डॉट्स बनाने हैं। बहुत ही ध्यान रखने वाली बात यह है कि ये जैसे ही थोड़ा सा सूखता है उसी समय आपको ब्रश के पिछले हिस्से से बिल्कुल सेंटर में एक प्रेशर डालकर बिल्कुल राउंड यानी सर्कल जैसा शेप बनाना है। जितने भी आपने डॉट्स बनाए हैं सभी पे आपको यही काम करना है। ये काम सावधानी पूर्वक करें। इसे करने के लिए टाइमिंग का ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, यानी डॉट्स जब आपके आधे ही सूखे हों तभी ये काम हो सकता है। इसे हम अच्छे तरीके से ड्राई होने देंगे। ये ड्राई हो गया है तो कलर करने के लिए तैयार है। हमेशा वॉल पुट्टी के क्राफ्ट में एक्रेलिक कलर का इस्तेमाल करते हैं, बहुत ही बढ़िया रिजल्ट आता है, इसमें वार्निश की ज़रूरत नहीं पड़ती। दोस्तों, सबसे पहले हम बॉर्डर को ब्लैक कलर से कर लेंगे। कलर का जो चुनाव है पूरी तरह आपके ऊपर है, यानी आपके चॉइस के ऊपर है। इसके साथ ही ट्री को भी हम ब्लैक कलर से कर लेंगे और इसे हम ड्राई होने देंगे। जैसे ही हमारा ये ट्री ड्राई होता है तो कोई भी मेटालिक कलर लेंगे और स्पंज पे लगाकर ट्री की जो डिटेलिंग है उसे हम निकालेंगे। दोस्तों, मैंने एक्रेलिक पाउडर कलर लिया है जिसमें मीडियम 1 या 2 मिलाकर आप ये कलर कर सकते हैं। इसे हम अच्छी तरीके से ड्राई होने देंगे। जो बीच वाला पोर्शन है उसे हमने स्किन कलर किया है। स्किन कलर बनाने के लिए वाइट में थोड़ा सा येलो और रेड मिलाकर बना सकते हैं। बीच बीच में वाइट का स्ट्रोक दे सकते हैं, इससे डेप्थ आएगा। ये कलर भी आपके चॉइस के ऊपर है, आप कोई अन्य कलर का भी चुनाव कर सकते हैं। मुझे रेनबो ट्री बनाना है तो मैंने 7 कलर्स का इस्तेमाल किया है। इसके लिए मैंने ईयरबड का इस्तेमाल किया है, आप चाहे तो ब्रश का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कलर का जो कंपोजिशन है यानी उसका जो तारतम्य और सामंजस्य है उसके हिसाब से सारे डॉट्स पे कलर लगाते चले जाएं और ड्राई होने दें। दोस्तों, ये कट मिरर है, इसे हम बॉर्डर पे फेविकोल की सहायता से चिपका लेंगे। इसे हमारे क्राफ्ट में थोड़ा सा ग्लैमर आ जाएगा। तो दोस्तों, बेकार कार्डबोर्ड से बना ये रेनबो ट्री क्राफ्ट बिल्कुल तैयार है। कितना अच्छा लगता है जब बारिश के बाद रेनबो दिखता है, पर आज के समय में रेनबो कम दिखता है पॉल्यूशन की वजह से। लेकिन आप इस क्राफ्ट को बनाकर अपने घर में बिल्कुल रेनबो जैसा माहौल क्रिएट कर सकते हैं। 7 रंग वाला ये ट्री क्राफ्ट हमेशा आपको पॉजिटिव एनर्जी देगा। इस तरह के बहुत सारे क्राफ्ट, बजट वाले क्राफ्ट आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं। क्राफ्ट अच्छा लगता है पर बनाने में थोड़ी मुश्किल आती है,
तो ऑनलाइन क्लासेस अवेलेबल हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। दोस्तों, आप मुझे फेसबुक और इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं। इस तरह के ढेर सारे बजट क्राफ्ट अभी आने बाकी हैं, तो इस तरह के बजट वाले क्राफ्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ में एक बेल आइकन है, उसे भी दबा दें ताकि मेरा हर नया वीडियो आप सबसे पहले देख सकें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे मेरा चैनल क्राफ्ट पॉकेट।